2019 का बीएड एंट्रेंस टेस्ट पंजाब का डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन. जनरली जितने भी कमीशन एंड पॉलिसीज इम्पोर्टेंट इंडिया में हुई है, एजुकेशन कमीशन और पॉलिसीज, उनके ईयर्स और उनके चेयरमैन का नाम जनरली पूछा जाता है. तो ये देख लेते हैं कि बाकी भी कौन से मेन कमीशन है. जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद. इसको याद रखने का तरीका मैंने ये रखा है, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा होगा तो उसका 4 बन गया, तो मैंने ये ले लिया 4 और 4 लिख के उसको 8 कर दिया. गुना 2 यूनिवर्सिटी का 4 गुना, एक बार आप लिखोगे याद हो जाएगा. ठीक है, सेकेंडरी का एस पूरा है 2 जैसा, ये 2, ये हो गया 52, याद रखने का तरीका. ठीक, एजुकेशन कमीशन 64 60, इसको कोठारी, क्योंकि इनके चेयरमैन जो डीएस कोठारी थे, डॉक्टर डीएस कोठारी, तो इनका जो है कोठारी कमीशन भी इनको कहा जाता है, कोठारी एजुकेशन कमीशन. तो ये हो गया कोठारी का. मैंने उठाया एच, एच को लिख दिया ऐसे करके 6 बना दिया, ये बने 64 से 66. ओके, नेशनल नॉलेज कमीशन, वैसे यहाँ 2009 है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 को कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इनके जो चेयरमैन हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का राधा कृष्णन जी, ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का इसे मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, मुदालियर जी इनके हेड थे, चेयरमैन थे. कोठारी एजुकेशन कमीशन हो चुका है. नेशनल नॉलेज कमीशन इनके हेड थे, यहाँ लिखा है मैंने सैम पित्रोडा. सैम पित्रोडा को फादर ऑफ डिजिटल इंडिया भी बोला जा सकता है, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अच्छा, ये 2 ईयर क्यों है? इस पहले साल में जो पहला ईयर है इसमें एस्टेब्लिश किया गया, और जब रिपोर्ट पूरी की गई और रिपोर्ट सबमिट करवाई गई, ये ईयर है. इट मींस ये एस्टेब्लिशमेंट का भी पूछा जा सकता है, रिपोर्ट कब सबमिट करवाई गई इसका भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कुछ और है, राधा कृष्णन जी का कमीशन जो हम डिस्कस करके आए हैं, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल एजुकेशनल बॉडी है, जिसको 1956 में स्टैटूटरी स्टेटस मिला था, और 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी. 2 क्वेश्चन बनते हैं, कब एस्टेब्लिश हुई, 53 में, और स्टैटूटरी स्टेटस कब मिला, एक्ट कब पास हुआ, 56 में. यहाँ पर जब जैसे नॉट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज नॉट एस्टेब्लिश विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एम, नॉट वाला ढूंढना है, बाकी वाले यस है. ठीक, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, यस रिसर्च प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन सीधा बन रहा है. ठीक, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंडिकेट करता है हायर एजुकेशन को. आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, जो इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस बहुत ज्यादा अपनी हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है, बड़ी एकेडमिक अचीवमेंट उनका एजुकेशन में अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई करके यूजीसी स्पेशल स्टेटस देती है. ये इट मीन्स ये भी एम है कि उनको पोटेंशियल लर्निंग वाले इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करना. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, यस ये भी एक एम है. तो ये तो क्लियर हो गए, 1 2 3 एम हो गए. प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है टू ईच, यहां गड़बड़ हो गई कि हर ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी नहीं दे सकती. ऑटोनॉमी मीन सेल्फ गवर्नेंस, के ऑटोनॉमस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज बन जाते हैं, जिसमें वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अपने करिकुलम बना सकती है, खुद एवेल्युएशन कर सकती है, उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस दी जाती है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, निम्नलिखित में से अच्छे प्रशासन के कौन से उपकरण है. ठीक, ये शब्द हमने जनरली सुने नहीं होंगे. सबसे पहला है सोशल ऑडिट. ऑडिट आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है उसकी इवेल्युएशन एग्जामिनेशन एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ना,
ऐसे ही सोशल ऑडिट होती है जिसमें कोई सोशल प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मिड डे मील एक एजुकेशनल एंड सोशल प्रोजेक्ट है, ठीक। ऐसे और एजुकेशनल या सोशल जो पॉलिसीज इंडिया की बनी है उनको ऑफिशियली एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से निभा रहे हैं, क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं पाई जा रही, क्या एथिकली सब कुछ ठीक हो रहा है, एम अचीव हो रहे हैं। दिस इज नोन एज सोशल ऑडिट। सिटीजन चार्टर दूसरा है। सिटीजन चार्टर एक तरह का डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस प्रोवाइडर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हायर स्टैंडर्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो सिटीजन चार्टर भी गवर्नेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो तीन शब्द हैं, कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट थी उस डॉक्यूमेंट में जो सर्विसेज के लिए कमिटमेंट की गई है उनकी रूपरेखा बताई गई होती है। नेचुरली ये भी गवर्नेंस के लिए यूज हो रही है। यहाँ तक हमें आंसर तो मिल गया है क्योंकि सोशल ऑडिट भी शामिल है, ठीक, और चार्टर सिटीजन हुई है, क्योंकि ऑल ऑफ अबव है, अगर दो आपको ठीक लगते हैं तो ऑल ऑफ अबव में आप जाओगे। मोस्टली ये भी एक नुक्ता है कि जब ऑल ऑफ दी अबव है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो प्रेफर अगर गेस वर्क करना है तो ऑल ऑफ अबव ही कीजिए। नेक्स्ट है एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फीचर इन विच, शिक्षा एक कानूनी विषय के रूप में चित्रित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट में, कनकरंट, मतलब के शिक्षा पर जो कानून है वो कौन बना सकता है, क्या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं, सेंटर भी बनाती है, स्टेट भी बनाती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर ओनली सब्जेक्ट बनाती है, सॉरी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो उसे यूनियन लिस्ट में शामिल किया जाता है, और कुछ सिर्फ स्टेट बना सकती है उसे स्टेट लिस्ट में, जिन विषयों पर दोनों ही बना सकते हैं उनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ पर एजुकेशन है उस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं। ओके, कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको मीनिंग ही सीधा क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ऑडियो और विजुअल, सुनना और देखना, ठीक, कौन से किस किस में होते हैं, टेप में सिर्फ सुनना है, रेडियो में सुनना है, ऑल ऑफ दीज, अगर दो निकल रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, दैट इज वाई टेलीविजन सुनते भी हो देखते भी हो, वेरी इजी। नेक्स्ट है द नेम पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय, राइट आंसर यहां पर है इन 1933, ये रहा रहमत अली खान, रहमत अली थ्री कलीग उनके, ये राइट आंसर है, अब राइट आंसर इसमें नहीं है। द क्वेश्चन है नेक्स्ट, परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, दो तीन बातें हैं ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने गेस वर्क से भी सॉल्व करना है, ठीक। एक तो इक्विलिब्रियम देखिए, यहां पर हिंदी में जरूर देख लीजिए या पंजाबी में जरूर देख लीजिए, इक्विलिब्रियम का मतलब यहां संतुलन, ठीक। और पहला जो असंतुलन किसके बीच में, एक बायोस्फीयर और दूसरा ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु यहां पर जो रहते हैं, ठीक। कंसेप्ट को समझना है तो फॉर एग्जांपल इनके बीच में बैलेंस है ना, बैलेंस क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई ये दोनों एक जैसे रहे, कोई एक्सेसिव में ये ना बढ़ जाए या ये ना कम हो जाए, कोई जीव जंतु ज्यादा गिनती में ना बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल, जहां बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि हर जीव जंतु उस इको बायोस्फीयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में कुछ जीव बढ़ गए हैं, आप अपने फील्ड्स की बात कर सकते हैं, रैट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं खेतों में, तो क्या होगा कि फसलें खराब होनी शुरू हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो जो सांप है या बाज वगैरह ऐसे पंछी है वो चूहों को खा लेते हैं, तो ऐसे चूहों का जो ज्यादा बढ़ने की गिनती है वो वहां के ही जीव उनको संतुलन में रखते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, इक्विलिब्रियम की बात हो गई, बैलेंस बायोस्फीयर और ऑर्गेनिज्म में,
अच्छा ये इक्विलिब्रियम किसमें है, यहाँ पर संतुलन देखा था, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर संतुलन है, यहाँ पर संतुलन है, इट मीन्स ये दो इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस और बैलेंस बन रहा है, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है, नन ऑफ दीज मोस्टली रिजेक्ट ही होता है। यहाँ तक गैस वर्क चल सकता है, आगे आपने चुनना है, लेकिन इसका मीनिंग अगर देखना है ये है इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा कंसेप्ट कौन सा निकला, एनवायरमेंटल बैलेंस नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें इक्विलिब्रियम ठीक है, किसमें कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, और जो वहां का इकोसिस्टम है, वहां बायोस्फीयर वर्ड यूज किया गया था। राइट आंसर इज इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, गांधियन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी हर बार सुनता हूँ कि मिक्स इकोनॉमी। 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन जो थी कम करनी शुरू कर दी थी इंडिया ने, और लिबरलाइजेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। तो आज जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स है। मिक्स का मतलब है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंट्री में इकट्ठे काम करते हैं। और नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। हाँ सिंपल है, इकोनॉमी का काम जो है, अगर गैस भी लगाना है आपने तो नेचुरली है फाइनेंस का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक एक मिनिस्ट्री है वो पब्लिश करती है। इट मीन्स राइट आंसर इज ए। मेजर सेट ऑफ रिफॉर्मर हैव बीन पुट इन प्लेस टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी बेस्ड ऑन देयर सजेशन। राइट आंसर इज हिंदी में है, भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए किस समिति की सिफारिशों पर सुधारों के प्रमुख सेट रखे गए। आंसर इज फर्स्ट ए, लेफ्टिनेंट जनरल शेटक्कर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक रजत तरंगणी, अगर यहां से नहीं पढ़ा जाता तो हिंदी में पढ़ लेना, रजत तरंगणी किसके द्वारा लिखी गई। इसका आंसर यहां पर ढूंढा है मैंने। रजत तरंगणी संस्कृत का वर्ड है, रिवर ऑफ किंग्स। ये लिखी गई है कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना। कब लिखी गई, 1148 में। जब वैसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा असफ अली जो कालका पंजाब के थे, और उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, पहले वो डिलीट कर दे जो नहीं हो सकते। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी ज्यादा सीधा आंसर नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA हैज सबमिटेड ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट ओलंपिक्स। तो राइट आंसर इसका है, यहाँ पर राइट आंसर तो नहीं है, नेट पर तो मुझे ये मिला है कि IOA हैड एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन होस्टिंग ओलंपिक इन 2036 एंड बियॉन्ड। UNFCCC की 24वीं पार्टी का सम्मेलन पोलैंड में डैश में आयोजित किया जाएगा, है ना। कटोविस इसका राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट सेट द लिमिट दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग नॉट मोर देन 10% ऑफ चाइल्ड वेट। कौन सी राज्य सरकार ने स्कूल बैग को भार को सीमा को बच्चे के भार से 10% अधिक नहीं होना चाहिए निर्धारित किया है। राइट आंसर इज कर्नाटका। 2019 का विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंट्रोड्यूस टू न्यू अवार्ड कैटेगरी टू प्रमोट वुमेन्स फुटबॉल ग्लोबली। फीफा, फीफा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द खेलो इंडिया मोबाइल ऐप इन विच सिटी और यूपी। द आंसर इज न्यू दिल्ली। ये देख सकते हैं
न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च खेलो इंडिया मोबाइल ऐप, और क्वेश्चन क्या इसमें बनते हैं, अच्छा किसके द्वारा ये डेवलप की गई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइन, ओके। थ्री सिग्निफिकेंट फीचर हैं इसके। 22 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉगरेट किया फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कहां, कटक में। तो ये तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं। वेयर वाज खेलो इंडिया फर्स्ट गेम, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़े अच्छे हैं। 2018 में पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुई, दिल्ली में, और डेट मेरे ख्याल में याद रखने की जरूरत नहीं है। कितनी स्कोर्स थी, 16, गोल्ड कितने से, 209, और फर्स्ट कौन आया, हरियाणा, टोटल मेडल जो 102 इन्होंने जीते, ठीक। और सेकंड नंबर पर आए 111 महाराष्ट्र, और थर्ड पर दिल्ली 94। 2019 को पुणे में हुई महाराष्ट्र में, स्पोर्ट्स जो थी 16 थी, 2 प्लस हो गई 18 हो गई, गोल्ड टोटल कितने से ये भी बढ़ गए 403। अच्छा पहले 2018 में हरियाणा फर्स्ट था, अब हरियाणा सेकंड हो गया, और महाराष्ट्र सेकंड था वो फर्स्ट हो गया, ठीक। दिल्ली थर्ड की थर्ड रह रही है रैंक में। गेन किए हैं मेडल 228 महाराष्ट्र ने, 178 हरियाणा, और 136 दिल्ली ने। 2020 में गुवाहाटी असम में हुए, और दो और गेम्स बढ़ गई, ठीक है, मेडल भी बढ़ गए, 447 हो गए, और महाराष्ट्र अब फर्स्ट आ रहा है, महाराष्ट्र 256, और हरियाणा सेकंड पर 200, और दिल्ली थर्ड 122। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट लीड कर रही है, नॉर्मली महाराष्ट्र हरियाणा और दिल्ली ये विन कर रहे हैं। अच्छा अगर फोर्थ पूछा जाता है तो 2020 का है, कर्नाटका चौथे स्थान पर रह रहा है, आपका पंजाब जो है 2020 में 10th रैंक पर रहा है। वापस चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग ए सेलियंट रेवोल्यूशन इन द ऑफिंग ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन, डॉक्टर एच चतुर्वेदी। हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस स्टोरी बुक एलाइस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड, ये नॉवल है, ये लिखा गया लेविस कॉरल। नेक्स्ट है, हु रोट वेयर द इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फुली टू बी वाइज, आंसर इज शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की संस्थापना की थी किसने, वल्लभाचार्य ने, याद रखना ये पुष्टि मार्ग का क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग ए वैष्णव सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। हु हैज रिटन फेमस बुक पद्मावत, द राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट इज द केव्स एंड रॉक्स कट टेम्पल एट अलोरा आर, अलोरा की गुफाओं और चट्टानों काट कर बने मंदिर संबंधित रखते हैं किस धर्म से, राइट आंसर इज लॉन्ग टेल हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। व्हाट थ्री रिलीजन्स आर रिप्रेजेंटेड इन अलोरा केव्स, दीज कंसिस्ट 17, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 17 कितनी केव्स है, 17 हिंदू केव्स, ओके, 12 बुद्धिस्ट केव, ओके, एंड 5 जैन केव। ये केव्स हैं जहां पर हिंदू बुद्धिस्ट जैन रिलेटेड रीजन है। हु डिस्ट्रॉयड अलोरा, मुगल किंग औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर इमर्ज एज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ, निम्नलिखित स्थानों में से कला के मथुरा स्कूल को बढ़ावा देने के लिए कौन से महत्वपूर्ण केंद्र उभर कर आए, सारनाथ एंड कौशाम्बी। विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 5G कवरेज, लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना यूरोप हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, वेयर माउंट एटना इज लोकेटेड, देखते हैं नेट पर सीधा, एटना लोकेटेड इटालियन आईलैंड, कहाँ है, साथ में ये भी याद रख सकते हैं, ये हो गया इटली में, इटालियन आईलैंड सिसली, और ये कितना पुराना है, वाई इज माउंटेन एटना इज फेमस,
माउंटेन एटना इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप ओके एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इरप्टेड वॉल्केनोस इट इज आल्सो द वॉल्केनो विद विच लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यू